Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Myself Nikita Gupta and I am back with another video. तो आज की जो वीडियो है वो बहुत अलग वीडियो है. तो ये जो वीडियो है ये मेकअप से रिलेटेड, मतलब मेकअप के ही प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने खरीद के रिग्रेट किया था और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी या सजेस्ट नहीं करूंगी कि कभी आप ये प्रोडक्ट लो. तो हम लोग के साथ क्या होता है ना, हम लोग बिगिनर हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का फेस अच्छा हो, क्या हम लोग यूज करें. तो हम लोग इधर उधर बहुत सर्च करते रहते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए जिसे मैं यूज करके जो मेरे फेस है वो अच्छा हो जाए. तो ये मैंने भी किया है, मेरे भी फेस में बहुत सारे दाग है. मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे खरीदे थे और यूज किए थे जो कि मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों यूज किए या क्यों खरीदे. तो वही सारे प्रोडक्ट का मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैं आप लोग को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि कभी आप लोग लो. क्योंकि हम लोग के साथ होता है कि हम लोग यूट्यूब में बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार यूट्यूबर ने इनका रिव्यू किया तो ये प्रोडक्ट बेस्ट होगा, हम लोग के साथ सही से वर्क करेगा जैसे. तो मैं एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छे नहीं लगे तो आपको भी नहीं लगेंगे. बट अगर आप बिगनर हो और आप सोच रहे हो ये प्रोडक्ट लेने का, तो एक बार मैं जरूर बोलूंगी कि अच्छे से देख लेना. अगर किसी के पास ये प्रोडक्ट है, पहले से यूज कर रहे हैं, तो एक बार लेके आप यूज कर लेना, देन इस पे इन्वेस्ट करना. क्योंकि मैंने तो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लिए थे, देन मेरे पैसे वेस्ट हो गए. तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का भी पैसा ऐसे वेस्ट हो. तो इस वजह से मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोग को शेयर कर सकूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट में अपने पैसे वेस्ट किए हैं जो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए थे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे मुझे लेके रिग्रेट हुआ वो है ये ऑरेंज जेल जो कि गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल है. तो ये मैंने purple.com से लिया था, पर्पल ऐप से लिया था. तो ये लेके मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि इसमें मैंने देखा था कि ऑरेंज का ये जेल है और ऑरेंज सही होता है फेस के लिए और इसमें विटामिन सी और कुछ कुछ ये लोग बोल रहे थे. तो मैं इतना डिटेल नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि फेस के लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है. बट मुझे जितना आइडिया है उस बेसिस पे बस मैं शॉर्ट में आप लोग को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट से मुझे रिग्रेट हुआ, आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. तो ये जो ऑरेंज जेल है गुड वाइब्स के, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तो ये आप देख सकते हो, मैंने न्यू ही लिया है, जरा सा भी यूज नहीं किया, ये पूरा फूल है. तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तो मैं सबका रिव्यू देख के कि सब बोल रहे थे अच्छा है अच्छा है, इस वजह से मैंने इसे ले लिया. बट और मैंने गुड वाइब्स का सीरम एक यूज किया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं अभी भी यूज करती हूँ. तो मैंने सोचा गुड वाइब्स का सीरम अच्छा है तो मे बी ये भी अच्छा होगा तो ले लेना चाहिए. बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. ऑरेंज जेल है ये, आप जब निकालोगे तो ये ऑरेंज ऑरेंज स्मेल करेगा, बट जब आप स्किन में लगाओगे ना तो फिर जैसे ही लगाना स्टार्ट करोगे वो थोड़ा दवा वाला महक या अजीब सा महक होता है ना, उस महक में चेंज हो जाएगा. तो मुझे इसका स्मेल भी पसंद नहीं आया. नेक्स्ट क्या होगा कि मैं रात में इसको लगा के सोई थी, तो मैं जब नेक्स्ट डे उठी ना तो मेरे फेस में छोटा छोटा दाना आ रहा था. तो मुझे लगा कि बस ऐसे ही निकल गया, इसकी वजह से नहीं है. तो फिर मैंने इसे स्किप कर दिया एक दो दिन, देन फिर दो तीन दिन बाद फिर से मैंने इसे यूज किया तो फिर से वही चीज हो रहा था. तो फिर मैं इसे पूरा स्किप कर दी, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाई. इसका जो प्राइस था वो 255 रुपीज है 100 ग्राम का. तो मेरा 255 रुपीज पूरा वेस्ट गया इसको लेने से. एंड देन आप जब लगाओगे ना तो आपको थोड़ा सा जलन भी फील होगा. तो इस वजह से ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तो आप अगर इसे लेना चाहते हो तो कोई अगर यूज करता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो अगर कोई यूज करता है तो आप पहले लगा लो देन इसको लो. और अगर बहुत सारे कोई है जिसे सूट कर रहा है तो सही है, आपके फेस में ये जा सकता है. बट मेरे फेस में ये सही से वर्क नहीं किया. तो इसलिए मैं एक बार आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप लेना
का सोच रहे हो तो एक बार जरूर टेस्ट कर लेना, देन लेना। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वैक्स, देख सकते हो ये वैक्स, तो ये चॉकलेट वैक्स है द बॉडी केयर का, देख सकते हो। तो ये भी मैंने यूट्यूब में ही देख के लिया था, बहुत सारे यूट्यूबर ये वाले वैक्स यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मंगा लेती हूँ ये वैक्स, क्योंकि नो डाउट जो भी बिगनर होते हैं यूट्यूब में ही सर्च मार के लेते हैं, बट मैं बोलना चाहूंगी कि यूट्यूब पे सब सही नहीं होता, तो आप यूट्यूब में ज्यादा भरोसा मत करो, थोड़ा आप सर्च भी करो, क्रोम में ढूंढो और देखो कि कौन सा प्रोडक्ट सही है नहीं है, और बहुत सारे रिव्यू देखने का कोशिश करो। जितने सब्सक्राइबर कम है ना उनका भी रिव्यू देखो, वो सही रिव्यू देते हैं जैसे मैं दे रही हूँ, और जो थोड़े ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कभी कभी रॉन्ग रिव्यू भी दे देते हैं, रॉन्ग इन द सेंस कि कुछ खराब नहीं बोलते, हाँ बाकी अच्छा भी नहीं बोलते, नॉर्मल बताते हैं, बट बहुत कुछ खराब भी होता है जो उन्हें बताना चाहिए, बट वो लोग कॉलेब के चक्कर में वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो कोलेब्रेशन करते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो सही सही भी बताते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ये वैक्स अगर आप यूज करना लेना चाह रहे हो तो एक बार सोच समझ के लेना, या किसी के पास है तो आप यूज कर लेना देन लेना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं वैक्स की तो तभी तो सही था, सही से बाल निकल रहे थे, बाकी मुझे जलन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट जब बाल आने स्टार्ट हुए ना तब मुझे प्रॉब्लम दिखा, क्योंकि इससे पहले मैंने आयुर का वैक्स यूज किया है, तो उस वो जब मैंने यूज किया था उसके बाद मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं दिखा था, बट ये यूज करने के बाद मुझे ऐसा इशू दिखा कि जो बाल थे ना वो सही से नहीं निकल रहे थे, और आपके फेस में दाना दाना जो निकल जाता है ना पूरा बॉडी में, जहां जहां से मैंने बाल निकाला था वहां वहां से थोड़ा दाना दाना वाला टाइप से फेस हो गया था, मतलब जहां से बाल करते वो पहले दाना हो जा रहा था देन बाल आ रहा था, तो इस वजह से ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आप एक बार इसके साथ अगर जाना चाहते हो तो एक बार ध्यान से देख लेना, पता कर लेना, यूज कर लेना, देन आप इसे लेने का सोचना। तो ये मैंने 300 रुपीज में फ्लिपकार्ट से लिया था। देन मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये कंसीलर, तो ये भी मैंने यूट्यूब में बहुत सारे जो बताते हैं ना अफोर्डेबल मेकअप की, अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट लो वो प्रोडक्ट लो, तो उसी से मैंने ये प्रोडक्ट देखा था, बहुत सारे कोई रिव्यू कर रहे थे कि हाँ ये अफोर्डेबल में सही कंटूर है, आप ले सकते हो 100 रुपीज में, तो मैंने सोचा इतने सारे यूट्यूबर बता रहे तो सही होगा, कुछ रॉन्ग तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने भी मंगा लिया। तो ये वी फेस क्या, हाँ वी फेस के देख सकते हो, वी फेस का कंटूर है जो कि मैंने 100 रुपीज में लिया था, तो ये बहुत फालतू है, इसे यूज करने के बाद मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना तो वहां से क्रैक पड़ जाता है फाउंडेशन, और ये अजीब सा, मतलब आपको पता चलेगा आप अगर लगाओगे ना, अगर यहाँ से ऐसे किए हो तो कोई भी देखेगा तो वो बता देगा अच्छा यहाँ पे ऐसे करके कुछ आपने लगाया है, क्योंकि वहां पे फाउंडेशन क्रैक हो गया है, सही से फाउंडेशन इसके ऊपर जाता नहीं है, तो ये बहुत फालतू प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा फालतू, इसको बिल्कुल भी मत लो, बहुत गंदा मेकअप का ये प्रोडक्ट है। देन जो नेक्स्ट है, तो इसे मैंने 100 रुपीज में फ्लिपकार्ट से लिया था। देन मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का ये बॉडी लोशन, या बटर वाला जो बॉडी लोशन है वो, तो ये भी मुझे बहुत फालतू लगा। हम लोग बॉडी लोशन इसलिए यूज करते हैं कि मेरा जो बॉडी है वो हाइड्रेट हो, जो ड्राइनेस है वो दूर हो, बट इसे लगाने से ऐसा कुछ फील नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर आप इसे लेते हो तो ये सही से आपकी स्किन में मिलता भी नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको, ज्यादा ही निकल गया देख सकते हो, तो आप इसे जैसे निकालोगे ना फिर वो थोड़ा पानी पानी होने लगता है, मतलब मेल्ट होने टाइप से होने लगता है, देन आप इसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे ली ना तो बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे मिलाते रहूंगी, बट ये मिलता ही नहीं है, बहुत टाइम लेता है ये मिलने में,
तो और उसके बाद मिलने के बाद भी मुझे ड्राइनेस ही फील होता है, कोई हाइड्रेशन या कुछ मॉइस्चराइज नहीं मिलता है, तो ये मुझे बॉडी लोशन बिल्कुल भी सही नहीं लगा, पैसा वेस्टिंग है। तो अगर आप बॉडी लोशन लेने का सोच रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगी कि गुड वाइब्स का ये बॉडी लोशन आप लो। तो इसकी जो प्राइस है ये 225 रुपीज में, 200 ml आई थिंक, हाँ 200 ml का मुझे मिला था, बट ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप इसे भी मत लो, इसके साथ मत जाओ। दूसरा बॉडी लोशन आप देख सकते हो, बट गुड वाइब्स का ये बॉडी लोशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन नेक्स्ट जो और प्रोडक्ट है उसका जो पैकेट है या डब्बा है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से पड़े हुए थे, वेस्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा फेंक ही देना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूज नहीं करा था, मेरे फेस में सही से नहीं सूट किया, तो मेरी बहन भी यूज नहीं कर रही थी डर से। तो नेक्स्ट जो है वो है, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो लैक्टोकेलामाइन का मॉइस्चराइजर है, जो कि बोलता है कि अगर आपकी ऑयली फेस है और आप लगाते हो तो वो आपको ऑयली नहीं होने देगा और आपके फेस को ड्राई रखेगा। तो पिक मैं साइड में लगा दूंगी, क्योंकि डब्बा मेरे पास है नहीं, बहुत दिन से रखा हुआ था और वो मैं यूज नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा रख के कोई फायदा नहीं है, फेंक देते हैं, क्योंकि तभी मेरे दिमाग में आया नहीं था कि मैं इसका वीडियो बनाऊं और आप लोग को शेयर करूं, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, अगर क्योंकि सेम चीज मेरी जो कजन सिस्टर थी उसका भी फेस ऑयली है, तो मैंने जो जो प्रोडक्ट लिया था और मैं रिग्रेट कर रही थी, सेम वही प्रोडक्ट उसने भी लेके रिग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने जब प्रोडक्ट देखा तो मैं उससे पूछी कि अच्छा ये चीज तुम भी कर दी हो तो कैसा लग रहा है तुमको यूज करके, तो वो बोल रही है कि क्या बताऊं ऐसा हो गया। तो हम बोले कि मेरे से पूछ लेते, क्योंकि सेम प्रोडक्ट मैं भी ली हूँ और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे कि अरे हम लोग सेम फैमिली के होके हम लोग कैसे एक दूसरे से नहीं पूछे, इसलिए हमको लगता है कि ये सब चीज शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपका भी जो मनी है वो वेस्ट ना हो। तो लैक्टोकेलामाइन का जो मॉइस्चराइजर है पिक मैं साइड में लगा दूंगी, वो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर जैसा पहले तो मुझे फील ही नहीं होता, बहुत ड्राई है। मानती हूँ कि आपको ऑयली नहीं करना है, बट इतना भी ड्राई नहीं करना है कि आप जब फेस में लगाओ ना आपको ऐसा से फील हो कि आपको लगे कि मेरा जो फेस है बहुत ज्यादा ड्राई हो गया और बहुत ज्यादा ही डिहाइड्रेशन हो गया, मुझे हाइड्रेट करने का जरूरत है, उस टाइप से वो फेस को कर देता था। देन लगाने के तुरंत बाद तो ऑयली नहीं होता था, लेकिन अचानक से आधा घंटा या 15 मिनट बाद बहुत ज्यादा पसीना आने लगता था, तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और दूसरी चीज क्या थी कि उसमें ना उसका जो क्रीम था वो सही से मुझे नहीं, थोड़ा दाना दाना फील होता था, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज थे जो आपके फेस को साइन साइन दिखाया, मतलब कि आप बोल सकते हो जो चमकने वाले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो थे। तो उस मुझे लैक्टोकेलामाइन के जो मॉइस्चराइजर थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि मेरे फेस में छोटे छोटे पिंपल्स भी आने लगे थे उसको यूज करने के बाद। देन लगाने के तुरंत बाद बहुत पसीना भी आने लगता, तुरंत नहीं 10-15 मिनट बाद पसीना भी आने लगता था, देन बहुत ज्यादा ही ड्राई कर देता था स्किन को, तो मुझे वो भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगी कि उसके साथ आप, तो वो भी 150 रुपीज का 30 ml या कुछ था, मैं प्राइस सबका मेंशन कर दूंगी स्क्रीन में, आप देख लेना। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मामा अर्थ का फेस वॉश है, तो मामा अर्थ का जो चारकोल वाला फेस वॉश होता है ना वो, तो वो भी मेरा जो फेस है वो ऑयली फेस का है, तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, तो मैं वही सब यूट्यूबर का वीडियो देख रही थी जो ऑयली फेस के लिए फेस वॉश देन क्रीम एंड मॉइस्चराइजर बता रहे थे, तो उसी में मैंने मामा अर्थ का भी फेस वॉश मंगाया था, देन लैक्टोकेलामाइन का मॉइस्चराइजर मंगाया था। तो जो मामा अर्थ का फेस वॉश है चारकोल वाला, वो भी बहुत फालतू प्रोडक्ट है, महाफालतू प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको लगाने के बाद मेरे फेस में इतना पिंपल्स आने स्टार्ट हुआ, इतना पिंपल्स आने, और ये मैं बस अपना रिव्यू से नहीं बता रही हूँ, मेरी कजन, दो कजन सिस्टर है, दोनों ने मामा अर्थ का फेस वॉश लिया था,
ठीक है, और दोनों ने यूज करके यही बताया कि उसके फेस में बहुत पिंपल्स आने लगे और फेस बहुत गंदा हो गया, और जो बड़े दाने वाले पिंपल्स होते हैं ना, पूरा इधर इधर पूरा आ गया था। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, मामा अर्थ का फेस वॉश बिल्कुल भी यूज मत करो। हाँ, अगर किसी किसी को सूट कर रहा है तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे फैमिली में जो भी है, मैंने दो तीन जन से जिससे भी बात किया है, उसको तो नहीं सूट किया है। तो अगर आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम सोच रहे हो मामा अर्थ का फेस वॉश लेने का, और अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आप मत लो, मत जाओ। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगाने से आपके फेस में कुछ इफेक्ट नहीं करता है, देन आप यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। मैं तो बहुत रिग्रेट की, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसा कुछ लो। हाँ, मैंने एम्बे का फेस वॉश यूज किया था, वो बेस्ट था, उससे कुछ भी पिंपल्स नहीं आ रहे थे। मैंने मामा अर्थ के बाद एम्बे का यूज करना स्टार्ट किया था, बहुत पिंपल्स आने लगा, तो मैंने सोचा कि एम्बे का ले लेती हूँ, क्योंकि उसका भी मैंने बहुत रिव्यू देखा था, तो वो मेरे सारे पिंपल्स को गायब कर दिया था, और स्किन का जो मॉइस्चराइजर है उसको भी वापस कर दिया था, देन अच्छा कर दिया था, मेरा स्किन हेल्दी हेल्दी फील हो रहा था। तो अगर आप ऑयली स्किन से परेशान हो तो एम्बे का फेस वॉश आप यूज कर सकते हो, लेकिन मामा अर्थ का बिल्कुल भी मत करना। देन और एक फेस वॉश है जो मैंने यूज किया था, वो था अरोमा का फेस वॉश, ठीक है, अरोमा का ग्रीन वाला, मैं पिक लगा दूंगी वो, ठीक है, तो वो भी आप मत करना, वो भी ऑयली फेस के लिए वो फेस वॉश आता है, तो उस इसलिए वो मैंने यूज किया था। तो ये वाला भी फेस वॉश मेरी कजन सिस्टर ने मंगवाया था, और उसका भी रिव्यू यही है कि उनको भी नहीं सूट किया और बहुत फालतू फेस वॉश है, वो स्किन को इतना ज्यादा ड्राई कर देता है कि आपके इधर इधर जो जल जाते हैं ना, जैसे स्किन और स्किन निकलने लगते हैं उस टाइप से होने लगेगा, तो वैसे होने लगा था और बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगा था फेस, तो वो प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं है। तो अगर आप अरोमा के फेस वॉश लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप लो। तो ये सारे प्रोडक्ट थे जो मुझे लेके बहुत रिग्रेट हुआ, और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लो। और हाँ, मैं डिटेल से नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद बिगनर हूँ और मुझे प्रोडक्ट को लेके उतने आइडिया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में वीडियो लाऊं, तो मैं थोड़ा सर्च करके कि क्या क्या प्रोडक्ट है एंड देन मुझे क्या क्या इश्यू हुआ था, क्यों इश्यू हुआ था, वो मैं ला सकती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप जरूर नीचे कमेंट करना, ताकि मैं डिटेल में एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू लाऊं कि मुझे मेरे में कैसे सूट किया था, या फिर क्या इफेक्ट हुए, जो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे रिग्रेट हुआ। देन और एक टोनर था जिसका ब्रांड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं साइड में, अगर मुझे याद आएंगे तो मैं नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। तो वो टोनर भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार जरूर सोचना, या कोई यूज कर रहा हो आप पता कर लेना, अगर आपके कजन सिस्टर या आपके फैमिली में कोई यूज करता हो तो पहले आप थोड़ा ट्राई कर लेना, देन लेना। और हाँ, जिसके स्किन में ये सारे प्रोडक्ट अच्छे से सूट करे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी, अगर आपको सही से सूट करा तो आप यूज कर सकते हो, बट ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इस वजह से मैं आप लोग को भी बता दूंगी, बता रही हूँ कि आप लोग भी एक बार जरूर ध्यान देना यूज करने से पहले। थैंक यू।